तो दोस्तों इंडिया में जहां टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर के साथ अपने सेगमेंट में राज करता है, वहीं हैरेटर के लॉन्च के बाद इरादे और भी ज़्यादा बुलंद लग रहे हैं। उसी तरीके से आज मैं आपके लेके आया हूं टोयोटा की कोरोला क्रॉस। ये टोयोटा की एक शानदार सी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। एक तरीके से क्रेटा सेल्टोस से लंबी है और एसयूवी 700 से छोटी है। गाड़ी में काम के सारे फंक्शन मिलते हैं। एक फुली हाइब्रिड गाड़ी है जो कि एक सेल्फ चार्जिंग सिस्टम आपको ऑफर करती है, जिस तरीके से टोयोटा हैरेटर भी देती है। अब जो ये गाड़ी बनाई गई है अपने सेगमेंट के हिसाब से, अपने कंपटीशन को देख के और जिस मार्केट में उतारी गई है, यहाँ पर ये गाड़ी अपने सेगमेंट की टॉप सेलिंग गाड़ी है। मेन बात है काम के सारे फंक्शन है। एक सनरूफ दी गई है, जिस तरीके से आपको टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस मिल रही है जिसमें आपको TNGA प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है इंडिया में, वही चीज़ आपको इसी प्लेटफॉर्म के साथ ही गाड़ी मिलती है। और यही वो गाड़ी है जिससे आपको हाईक्रॉस का जो प्लेटफॉर्म है वो देखने को मिला है। समझेंगे इस गाड़ी को क्या शानदार लुक्स के साथ आती है। और सबसे खास बात है गाड़ी का डिज़ाइन बहुत ही अल्टीमेट कैरेक्टर के साथ आती है गाड़ी। इसकी ओवरऑल लेंथ है 4460 mm की, उसके साथ इस गाड़ी की चौड़ाई है 1825 mm और इस गाड़ी की ऊंचाई है 1620 mm, यानी कि ये गाड़ी किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा से बड़ी है। लेकिन आपकी एक्सयूवी 700 जो कि एक तरीके से इससे बहुत सस्ती है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा वैल्यू दे रही है। और यही कुछ कारण है कि ये गाड़ी आज तक आपको देखने को नहीं मिली है। और उससे भी मेन बात है कि ये इसका टॉप एंड मॉडल है, जिस तरीके से आज तक मैं इसका सेकंड टॉप लेके आया हूँ, बेस मॉडल लेके आ चुका हूँ, लेकिन ये इसका टॉप मॉडल है जिसका लुक आपको बहुत पसंद आएगा। मेन बात है कि गाड़ी में जो सारे एडास के फंक्शन है वो भी इसमें यूज़ किए गए। जो फ्रंट में आप सारा क्रोम का वर्क देख रहे हैं वो भी बहुत शानदार लगेगा। यहाँ पर देखेंगे फुल आपको जिस तरीके से टोयोटा अपनी ग्लांजा में एक तरीके से यूज़ करता है क्रोम का, वही कुछ दिया गया है। साथ ही 360 डिग्री कैमरा, टोयोटा का बढ़िया सा हाइब्रिड लोगो आपको देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर आपको एक मैट फिनिश के साथ बढ़िया सी ग्रिल दी गई है जिसमें ग्लॉस एलिमेंट भी है, मैट का भी इस्तेमाल किया गया है। और यही है फिर गाड़ी के फ्रंट का प्रोफाइल। इसमें कहीं भी मैं रडार का यूज़ देखने में नहीं मिल रहा है, सिंपल सा डिज़ाइन है फ्रंट में, लेकिन आपको आगे लेन वॉच कैमरा मिलता है। साथ ही जो कलर ऑप्शन आज हमारे साथ है ये भी इसके टॉप एंड वेरियंट का कलर ऑप्शन है, इसका नाम है प्लेटिनियम व्हाइट पर्ल, बहुत स्पेशल लगेगा। साथ ही यहाँ पर टोयोटा ने अपनी 60th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए भी थाईलैंड में थोड़े से बैजेस को इंक्लूड किया है जो कि हाइब्रिड के नीचे प्लेस किया गया है। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर देख पाएंगे, उसके साथ देख रहा हूँ कि सनरूफ दी गई है जो कि यहाँ प्लेस की जाती है। इसका साइज़ देखेंगे कितना बड़ा है कितना छोटा है, कुछ कोरोला क्रॉस की बैजिंग है, मतलब ऑल एंड ऑल देखा जाए तो परफेक्ट पैकेज है। बाकी ये सारे जो फंक्शन है, जो प्रैक्टिकलिटी यूटिलिटी जो कि बिल्कुल मस्ट है इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से, वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए, यानी कि पावर टेलगेट और ये बेसिक फंक्शंस। करीब 400-450 लीटर के आसपास का बूट है जो कि आप ज़रूर पसंद करेंगे। नीचे देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक आपको मिलता है, कुछ आपको पंचर रिपेयर किट मिलती है यहाँ पर, जो कि ऐसी चीज़ें आप बेसिकली इंडिया में अभी नहीं देख रहे। हाँ, टाटा आपको ये चीज़ें देता है, साथ ही स्पेयर व्हील भी देता है, लेकिन यहाँ पर स्पेयर व्हील देना ज़रूरी नहीं है, तो ये सब चीज़ें हट जाती है। मेन चीज़ें अंदर देखेंगे सनरूफ किस तरीके की है, क्या पूरा लेआउट है, उसी के साथ गाड़ी ये कुछ है, सारे DRL है, फुली LED प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स हैं, नीचे फॉग लैम्प दिए गए, बहुत शानदार काम किया है डिज़ाइन में, मतलब थाईलैंड के मार्केट में यही गाड़ी आपको देखने को मिलती है। ऑल एंड ऑल देखा जाए तो बेस्ट पैकेज है। अब अगर आप कहेंगे तो भाई साहब इसका बेस मॉडल ले लेते हैं एक तरीके से, क्या दिक्कत है उसमें, जिसमें आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत वहाँ पर ये होगी कि आपको माइलेज कम मिलेगा, परफॉर्मेंस भी थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसमें जो एक इलेक्ट्रिक मोटर है वो अच्छा टॉर्क दे सकती है, लो एंड से अच्छा टॉर्क देना शुरू करेगी तो आपको चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और माइलेज की चिंता भी नहीं है, कम से कम 20-18 का माइलेज तो दे ही देगा। और ये है पूरा लेआउट, फिर ये 4 सिलेंडर का इंजन है। इस साइड देखेंगे टोयोटा का आपको जो हाइब्रिड सिस्टम है वो देखने को मिलेगा, एक पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम है, यानी कि इंजन और जो मोटर है दोनों एक तरीके से एक साथ पावर दे सकती है व्हील को। ऐसा नहीं है निसान की तरह कि इंजन हमेशा जनरेटर को ही चलाएगा, फिर जनरेटर से बैटरियाँ चार्ज होंगी, फिर बैटरी से आपकी मोटर को पावर जाएगी और फिर जाके व्हील चलेंगे। यहाँ पर पैरेलली भी काम होगा और एफिशिएंटली काम होता है। बाकी ये इसका पूरा लेआउट है, टर्बोचार्ज इंजन नहीं है, बेसिक सा इंजन है, आपको जो नॉन टर्बो इंजन रहते हैं, लेकिन दमदार परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है। लेकिन सबसे मेन बात है कि जो फ्यूल इकोनॉमी है, 23.3 KMPL का माइलेज यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, और ये छोटी सी गाड़ी 1200 cc की गाड़ी है, ये भी 23.3 KMPL का फ्यूल इकोनॉमी दे पा रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी गाड़ी 1800 cc का इंजन, शानदार अगर कंबाइंड पावर देखेंगे तो 200-250 bhp है और करीब 250 Nm के आसपास का ही टॉर्क है, फिर भी सेम माइलेज आपको दे सकती है, यानी कि 23 के आसपास का क्लेम किया गया है। मतलब सोच रहे हैं आप टेक्नोलॉजी की कितनी ज़्यादा पावर है। एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर में क्या काम के फंक्शंस है। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ पर डोर हैंडल दिया गया, कोई भी रिक्वेस्ट बटन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे विदाउट की फॉब निकाले भी आपके पॉकेट में हो फिर भी आप एंट्री ले सकते हैं, तो ये थोड़े काम के फंक्शन है और होंडा भी इन फंक्शंस को देता है। और ये कुछ इसका पूरा अंदर का लेआउट है, यहाँ पर देखेंगे 9 इंच की स्क्रीन है कुछ जो कि अच्छी दिखती है, साथ ही लेआउट देखेंगे ना हल्का फुल्का आपको हाईक्रॉस की याद दिलाएगा। ये आप देख रहे हैं IRVM जो कि बहुत शानदार लग रहा है। साथ ही ये है इसकी सनरूफ
जो कि आप देख सकते हैं बड़ी साइज़ तो नहीं है लेकिन ठीक यूज़ करा गया है। और साथ ही यहाँ पर आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है, कुछ ये सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, अल्टीमेटली प्रीमियम क्वालिटी जो चाहिए वो सब कुछ है। पावर ड्राइवर सीट में देख पा रहा हूँ कुछ लेदरेट के फंक्शन है, वेंटिलेशन के फंक्शन नहीं देखे मैंने लेकिन परफोरेशन प्रॉपरली दिया गया इसमें, और इतना कुछ स्पेस है। यहाँ पर पावर टेलगेट ओपन होगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आप कर सकते हैं। बाकी एडास के जो फंक्शन है वो भी बेसिक से है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, जैसे एक्सयूवी 700 में ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं इससे, तो ये थोड़ा ना कंपटीशन इनके लिए हैवी पड़ रहा है। और यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल बेसिक है, कुछ यहाँ पर आपको जो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है वो देगा, उसके साथ यहाँ पर आपको लेन डिपार्चर अलर्ट देगा, कुछ ये मोड्स है बेसिक यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें। स्टेयरिंग काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है, ये चीज़ें देखेंगे बहुत बढ़िया लगेगी। उसी के साथ बड़ा सा आपको बॉनेट मिलता है। बाकी इसका जो डिज़ाइन है ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी एलिगेंट लगेगा, सिंपल डिज़ाइन है। 9 इंचेस की स्क्रीन है, ये कुछ आपको 7 इंच की स्क्रीन दी गई है। बाकी डोर को बंद करते हैं तो जो TNGA प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई गाड़ी है उसकी क्वालिटी अलग ही पता चलती है। इंडिया में आपको कैमरी जैसी गाड़ी अभी तक मिलती थी इसमें, और अब जाके टोयोटा थोड़ा नीचे के सेगमेंट यानी कि हाई क्रॉस से शुरुआत कर रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं आए हैं, 25-30 लाख अभी भी है। लेकिन मेन बात है कि गाड़ी आ रही है सेगमेंट में, उससे मेन बात है कि टोयोटा को थोड़ा और नीचे सेगमेंट में लाना चाहिए यानी कि 15 लाख के आसपास, लेकिन वहाँ पर वो हाईराइडर बेचने लग गए जो कि मारुति का प्लेटफॉर्म है, सुजुकी का प्लेटफॉर्म है ग्लोबल सी। टोयोटा से जब बात भी हुई थी उन्होंने कहा था कि हम इस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा सस्ती गाड़ियाँ नहीं बेच सकते क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकलेगा, वो बात मेन गौर करने वाली, क्योंकि कंपनियाँ देखती है कि कहाँ तक हम प्लेटफॉर्म को दे सकते हैं, कितनी सस्ती गाड़ी में तक हम दे पाएंगे, तो वो सब बातें। बाकी यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये कुछ इसका पूरा लेआउट है। बाकी लाइटनिंग के साथ देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। गाड़ी में टोटल आपको 7 एयरबैग मिलते हैं, ये आप देखेंगे डुअल जोन एसी में देख पा रहा हूँ यहाँ पर दिया गया है, जो कि ऑफ़ करेंगे तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा, ऑफ करने के लिए ये फंक्शन ही ऑटो का है और ये डुअल जोन का फंक्शन है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो टोयोटा का आपको लोगो देखते हुए ऐसे कुछ स्क्रीन सामने आती है, थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में, प्रिपेयर कर रहा है। पहले तो आपको सारा वार्निंग दे देगा कि आराम से चलिए, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करिए, उसके साथ ओके अगर आप करेंगे तो ऐसे कुछ लेआउट में इसकी स्क्रीन खुल रही है। मैंने देखा नॉइज़ की स्क्रीन है, अलग अलग थीम भी हम कर ही सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक थीम करेंगे तो ये फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है, ब्लूटूथ है, रेडियो है, वॉइस के फंक्शन दिए गए, आप मिरर कर सकते हैं स्क्रीन को, USB फंक्शन है, फ़ोन के फंक्शन है, आईपॉड, पिक्चर्स, बेसिक फंक्शन सारे हैं। कुछ ऐसे वाले फंक्शन नहीं है सोबाजी करने के लिए, लेकिन काम के फंक्शन सारे ही देख पा रहा हूँ उसमें। 360 डिग्री कैमरा भी ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो कि सारी सराउंडिंग है वो दिखाने लग गया है मुझे। तो ये कुछ है इसमें काम के फंक्शन। बाकी थोड़ा नीचे आएंगे तो जो पूरा डैशबोर्ड है ना, ये सॉफ्ट टच है और सिंपल रखा गया है, कोई क्लस्टर नहीं है इसमें, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक कहूँगा, ज़्यादा शोबाजी नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर देखेंगे सारे काम के फंक्शन है, उसके साथ वायरलेस चार्जर देख रहा हूँ, CVT ट्रांसमिशन है जो कि आपको 7 स्टेप तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये एक सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो EV मोड मिलेगा, जिस तरीके से बैटरी इसमें दी गई है जो कि अच्छी खासी चार्ज को स्टोर करेगी, तो ये गाड़ी 5 से लेकर 10 किलोमीटर बिना इसके इंजन को स्टार्ट करे चल सकती है, जिस तरीके से हाई क्रॉस में आप देख रहे हैं। साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो सकता है, ड्राइविंग मोड अगर आप देखना चाहें अलग अलग वो आपको दिखा देगा। ऐसा कुछ पूरा लेआउट है, की फॉब बड़ी सिंपल सी रखी गई है लेकिन सही लगेगी आपको, बेसिक फंक्शन है, कोरोला क्रॉस की ब्रांडिंग है और साथ ही मेड इन टोक्यो है आई थिंक ये, और ऐसा कुछ इसका पूरा फंक्शन आप देखेंगे ऐसी कुछ दिखाई पड़ती है। नीचे देखेंगे ऐसा कुछ आर्मरेस्ट है, यहाँ पर पूरा पियानो ब्लैक चल रहा है और ऐसा कुछ आर्मरेस्ट आपको दिखता है। क्वालिटी बहुत शानदार है, स्लाइडेबल नहीं है लेकिन क्वालिटी ठीक है इसकी, बहुत हैवी मटेरियल का यूज़ किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो हेडरूम शोल्डर रूम इतना कुछ बना के दिया गया। मेरा उद्देश्य ये था गाड़ी को आपको दिखाने का कि किस तरीके की गाड़ी है, क्या फंक्शंस के साथ आती है, क्या पूरा पैकेज है, एक तरीके से हाई क्रॉस आ रही है। और जिस तरीके से अब हम सोचने लग गए ना कि ये गाड़ी आपको 25-30 लाख के रेंज में आ सकती है, जब तक ये गाड़ी का प्लेटफॉर्म सिर्फ कैमरी में आता था तब हमें लगता था कि ये गाड़ी 40 से लेकर 42 लाख में आएगी, लेकिन अब नहीं, अब आपको आराम से मिल सकती है थोड़े कम बजट में 30 के आसपास। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर क्या है इनका प्लान, क्योंकि 7 सीटर गाड़ी तो आ रही है, 5 सीटर लाना इनके लिए कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। एक नज़र सेकंड रो सीट्स में डालेंगे तो सेकंड रो सीट्स भी बेसिक है, क्या फंक्शन देती है कुछ आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, थोड़ा इनोवेटिव आपको ये चीज़ लगेगी। उसी के साथ ये कुछ चढ़ने उतरने के लिए स्पेस है, एक क्वार्टर पैनल ग्लास यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखेंगे सीटिंग का लेआउट तो इसमें थोड़ा टेक्स्चर यहाँ पर चेंज होते हुए हमें दिख रहा है, थोड़ा सा बेज का यूज़ किया गया ब्लैक के साथ, परफोरेशन में भी अलग चीज़ दिखेगी और यहाँ पर भी वही चीज़ बनाने की कोशिश की गई है। बहुत बड़े हेडरेस्ट थे ये सीटें, मैंने काफ़ी पीछे की हुई है, फिर भी देखेंगे पीछे 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है। इन बड़ी गाड़ियों में ये बातें बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है कि कोई बैठ पाएगा या फिर नहीं बैठ पाएगा, देख सकते हैं 6 फिट का आदमी इसमें आसानी से आएगा, आगे भी बैठेगा पीछे भी बैठ सकता है।
एसी वेंट देखेंगे, बेसिक क्वालिटी है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर भी प्रीमियम टच नहीं रखा है, जबकि ये इसका टॉप मॉडल है। और ऐसा कुछ इसका पूरा डैशबोर्ड आप देखेंगे, ये कुछ दिख पाता है, सेंटर कंसोल देखेंगे, ऐसी चीज़ें हैं, और यहाँ पर पूरा इसका लेआउट है। और साथ ही इंजन ऑप्शंस की बात करेंगे तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि एक सिंपल पेट्रोल है, एक आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा, जिस तरीके से आपको हाइराइडर में भी मिलता है, और साथ ही जिस तरीके से आप देखते हैं आपकी इनोवा हाईक्रॉस में दिया जाना है, उसमें आपको 2000 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन इसमें 1800 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है। जो ये 1800 cc का पेट्रोल इंजन है, वैसे तो बेस लेआउट में सेम है, लेकिन अगर आप कोडिंग वाइज देखेंगे तो जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन है वो आप देखेंगे यहाँ पर प्लेस किया गया है, जिसका कोड है 2ZR FBE, लेकिन अगर आप हाइब्रिड वाले को देखेंगे तो उसका कोड है 2ZR FXE। बाकी दोनों ही 4 सिलेंडर के डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट में 16 वेल्व के साथ इंजन दिए गए। CC भी दोनों इंजन्स का सेम है, 1798 cc का, और उसके साथ बोर और स्ट्रोक भी सेम है, लेकिन नीचे देखेंगे तो जो हाइब्रिड वाला इंजन है उसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो 13 का है। साथ ही अगर आप सिंपल जो बेस मॉडल स्पोर्ट्स वेरिएंट है जिसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका कंप्रेशन रेशियो केवल 10 का मिलने वाला है। लेकिन मेन बात है भाई साहब, यहाँ पर जो इंजन की पावर है वो बहुत डिफरेंट हो रही है। जो बेस मॉडल है जिसमें सिंपल 1800 cc का पेट्रोल इंजन आपको दिया जाएगा, जो कि आपको सिर्फ CVT के ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा, लेकिन ये पावर बना के देगा 140 हॉर्स पावर की, साथ ही 177 Nm का टॉर्क भी दे देगा। लेकिन अगर आप हाइब्रिड लेंगे, यानी कि टॉप एंड मॉडल जो लेना चाहेगा, जो कि स्मार्ट वेरिएंट है, प्रीमियम वेरिएंट और प्रीमियम सेफ्टी वेरिएंट है, इसमें आपको जो 1800 cc का पेट्रोल इंजन है ये केवल 98 हॉर्स पावर बना के देगा और 142 Nm का टॉर्क देगा। लेकिन मेन बात है जो इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर भी दी जाएगी, यानी कि ये एक हाइब्रिड वेरिएंट है, यानी कि एक हाइब्रिड गाड़ी है, पेट्रोल इंजन भी मिलने वाला है, साथ ही एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है, बैटरी भी प्लेस की हुई है, उसका बैटरी कंट्रोलर है, मोटर कंट्रोलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मोटर आपको मिलेगी ये 98 हॉर्स पावर के इंजन और जो 142 Nm का टॉर्क बना रहा है उसके साथ एक 600 वोल्ट की मोटर मिलेगी, जो कि 53 kW बनाएगी और साथ ही 163 Nm का यहाँ पर आपको टॉर्क देगी। अब ये जो सेम मोटर है ये जनरेटर का काम भी करेगी, जब इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी, और जो जनरेटर है वो बैटरियों को चार्ज करेगा, जहाँ पर इसमें आपको 201 वोल्ट की बैटरी दी गई है, जो कि करीब 168 सेल्स है। और जो मोटर है जो आपको टॉर्क बना के दे रही है 163 Nm का, यहाँ पर पावर बना के देगी 122 BHP की। एक तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो सही सी पावर सामने आ रही है। बाकी ये कुछ देख लिया आपने सब कुछ फिर गाड़ी को, उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। प्राइसिंग कुछ नहीं कह सकते अभी, जिस तरीके से हाई क्रॉस में माना जा रहा है कि 25 लाख से लेके 32 लाख की रेंज में गाड़ी आएगी, तो ये गाड़ी हाई क्रॉस से 2 से लेके 3 लाख रुपये कम में होनी चाहिए, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म है और उससे करीब 1 फीट छोटी गाड़ी है, 5 सीटर गाड़ी है, इंजन भी छोटा है। हाँ, यहाँ पर एक और बात है भाई साहब, इसमें जब आपको इंजन मिलेगा तो फिर 1800 cc वाला लेआउट नहीं रहेगा, फिर आपको 2000 cc वाले लेआउट के ही साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर टोयोटा दो दो इंजन देने का झमेला यहाँ नहीं करेगा, जो हाई क्रॉस वाला इंजन है वही मिलेगा। तो इस गाड़ी की जो पावर परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइसिंग थोड़ा सा 1 लाख रुपये के आसपास और बढ़ेगी, क्योंकि वो 2000 cc का इंजन है, इसमें 1800 cc आता है अभी, जो कि अच्छी खासे पावर देता है इसको, और प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेपुटेशन के साथ है, यूरो एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आ चुका है प्लेटफॉर्म, तो वो भी मानने वाली बात है। तो ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भी ठीक है गाड़ी, 180 से लेके 160 मिलीमीटर के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी ये रही आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिस तरीके से मैंने कहा कि टोयोटा ने इन गाड़ियों के साथ अपना जो रेपुटेशन है वो बिल्डअप किया है, एक राज बनाया है अपने सेगमेंट में, उसी तरीके से इन फ्यूचर देखिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों के साथ भी क्या करते हैं। अभी तो मारुति सुजुकी के साथ एक तरीके से कोलैबोरेशन इनका चल रहा है, जिस तरीके से अच्छे वॉल्यूम ये जनरेट कर पाए और अच्छी सेल्स मिले, तो प्रॉफिट में आए इनका बिजनेस, जो कि होना भी चाहिए। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी ये गाड़ी, क्या कुछ आप सोचते थे इन गाड़ियों के बारे में, और आज मैं आपके सामने लेके आ गया। उस साइड आपको मैनुअल सीटिंग मिलेगी और ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है इसका पूरा यहाँ से भी डैशबोर्ड। तो फिर मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आज मैं हूँ थाईलैंड के टोयोटा शोरूम में, ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लाते रहूँगा। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।